नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। कैंप लगाया गया आज हमारा जो है ना बचत और चालू खाता का कैंपेन लगाया गया है। ये कैंपेन लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि आज भी हमारे देश की एक बड़ी आबादी बैंक जाने से वंचित है, तो हमने एक कार्यक्रम रखा था कि क्यों ना बैंक जो है ना घर के पास ही आ जाए, और इसमें लोगों को जागरूक कर रहा है कि बचत कैसे किया जाएगा। आप खाता खुलवाइए बैंक में, छोटी छोटी बचत कीजिए, वो बचत ही आपको आगे आके काम आएगा। इस कार्य के लिए हमारा दुर्गापुर से पूरी टीम आई हुई है, हमारा रीजनल ऑफिस दुर्गापुर में है, इसमें वहाँ से पूरी टीम आई हुई है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और जैसा कि देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ भी है, अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है, और भविष्य में हम लोग इस तरह के कार्यक्रम यूनियन बैंक के तत्वावधान से करते रहेंगे। इस क्षेत्र में किसका सपोर्ट है आप लोगों को ऐसा कैंप करने के लिए? हमारे शाखा प्रमुख, ये शाखा प्रमुख बोल रहा हूँ, ये आंचलिक प्रमुख। उनका नाम? उनका नाम श्री गणेश तिवारी। आपका नाम सर? मेरा नाम मनोज कुमार लोनिया। आपका आ गया, मेरा नहीं आया, तो ये आपकी गलती होगी। आज यहाँ किस लिए आना हुआ आप लोगों का? मैं यूनियन बैंक दुर्गापुर रीजनल ऑफिस से ऋण विभाग का प्रभारी हूँ, तथा ये जो यहाँ पे जो यूनियन बैंक का एक कैंप लगाया गया है, जिसमें मुख्य उद्देश्य है बचत खाता और चालू खाता खोलना, जिसमें हमारे जो माननीय मंत्री जी आके इसका आज उद्घाटन किए हैं। और उन्होंने कहा है कि विशेषकर सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ जो आम जनता को नहीं मिल रहा है, वो सारे अभी बैंक खाता के माध्यम से ही मिलेगा। तो जैसे अभी एक मुख्यमंत्री का एक योजना आई है, 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्राओं को टैब देना, तो इसका जो संचालन होगा वो मुख्य रूप से बैंक खाते के ही द्वारा हो पाएगा। तो हम लोगों का ये उद्देश्य था कि जो भी ऐसे हैं जो बैंक जाने से नहीं होता, जिनका अकाउंट नहीं है, हम उनके घर आए, घर आके यहीं पे कैंप लगाएं, और कैंप लगा के सबको एक सामूहिक खाता खोलें, ताकि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उनको मिल पाए। अच्छा, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो जो आपके ब्रांच आपके जो बैंक है उसमें कितना अकाउंट खोला जाएगा यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, हम लोगों का प्रयास है, सारी हमारी ब्रांच की टीम आई हुई है और स्थानीय कार्यकर्ता हैं। हम लोगों ने पहले ही सारा घोषणा कर दिया है कि कम से कम डॉक्यूमेंट में मिनिमम आधार कार्ड और जिसके पास पैन कार्ड है या वोटर आईडी है लेके हम लोग जीरो बैलेंस और जो जमा करना चाहें कुछ पैसा वैसा खाता खोले। तो इसमें क्या है कि उम्मीद करते हैं, मेरा जो जितनी भीड़ है, जितनी जागरूकता आई है, कम से कम 1000 खाता तो कम से कम तो खुलना ही है, ये तय है, इतना तो खुलेगा ही खुलेगा। आप भीड़ भी देख सकते हैं, सारे कार्यकर्ता लगे हैं, बैंक के सारे स्टाफ भी इसमें शामिल है। आपके टीम से कौन कौन यहाँ पे शामिल था? स्थानीय शाखा के शाखा प्रबंधक जो है मनोज कुमार लोनिया जी, वो है, और हमारे दुर्गापुर से यूएलपी हेड मैं खुद अखिलेश कुमार सिन्हा आया हूँ। मेरे साथ में हमारे दुर्गापुर से 3 मार्केटिंग ऑफिसर सोमेन रूस और अर्का चक्रवर्ती, और भी यहाँ शाखा के लोकल शाखा के सारे स्टाफ सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, इस तरह का कार्यक्रम आगे भी आप लोग करेंगे? बिल्कुल, अगर हमें सहयोग मिला और इतना सफलता है, ये बैंक का काम ही है जनता तक सेवा देना, तो हम निश्चित रूप से ये उम्मीद करते हैं कि आगे चल के हम लोग अगर पहले ये सेवा दे इसको दूसरा कैंप शीघ्र ही हम लोग आयोजित करेंगे। गंगा देवी जिसको बुलाएगा वो आएंगे। गंगा देवी कौन है? आज के 55 वार्डे यूनियन बैंक के तरफ থেকে এখানে একটা ক্যাম্প হয়েছে, এবং এখানে গরিব মানুষ যারা আছেন, বিশেষ করে
এখানে সবাই ম্যাক্সিমামই গরিব, তো বাচ্চা ছেলে মেয়ে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এখানে হচ্ছে, এবং বয়স্ক যারা তারাও যাদের নেই তারাও করছেন। এবং সবথেকে আজকে একটা ভালো খবর দিচ্ছি যে মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করেছেন 2021 যারা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছেন তাদের 10,000 টাকা অ্যাকাউন্টে তাদের যাবে, মানে এক্সাম যারা দিচ্ছেন তারা 10,000 টাকা করে পাবেন, এবং নতুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এখানে হচ্ছে। এবং আশা করি এখানে প্রচুর ভিড় হয়েছে এবং এটা সবাই এতে লাভবান হবে, এই জন্য ইউনিয়ন ব্যাংকের তরফ থেকে আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মন্ত্রী মলয়বাবু, উনি এসে এটা ওপেনিং করে গেলেন এবং এখানে প্রচুর লোক এসেছেন, তারা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করছেন, বাচ্চা ছেলে মেয়ে তারাও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করছেন, এবং আশা করি এইখানে সবাইকে আমরা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করে দিতে পারবো এবং সবাইকে আওতার মধ্যে আনতে পারবো। এবং গরিব মানুষের জন্য জিরো ব্যালেন্সে যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এইটা হচ্ছে, হ্যাঁ, এটা খুবই ভালো জিনিস। এবং এটা মমতা ব্যানার্জি যেটা আমরা তাদের তার উদ্দেশ্য গরিব মানুষের জন্য উপকার করা, আমাদেরও উদ্দেশ্য হচ্ছে গরিব মানুষকে দেখা, তো আমরা গরিব মানুষের জন্য জিরো ব্যালেন্সে যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হচ্ছে এই জন্য আমরা সকলকে আজকে ডেকে আমরা সকাল থেকেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করছি এবং সবাই আশা করি এতে আমাদেরকে সহযোগিতা করবে। আপনার নাম? আশা করা যাচ্ছে প্রায় 500-600 জন তো হবে। আপনার নাম? শঙ্কর চক্রবর্তী। आज हम लोग खाता खुलाने के लिए यहाँ अभी आए हैं। हम लोग का बस्ती में बहुत ऐसे इंसान था जिसका खाता खुला हुआ नहीं था, और जो घर घर जाके जानकारी दिया कि आज खाता खुलेगा। आप लोग कौन सा बैंक का खाता खुला? यूनियन बैंक का खुल रहा है, तो सब आया है यहाँ खुलाने के लिए कर रहा है। हम लोग बैंक वालों को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारे लिए टाइम निकाल कर इतना किए।